एक बार फिर से स्वागत है। और आज चलते हैं दोस्तों पांडुपोल सरिस्का, वहाँ पे टेंपल आपको दिखाऊंगा और वहाँ की सैर कराऊंगा आपको। अभी आ गया हूँ मैं नीमराणा में सीएनजी स्टेशन पे, क्योंकि गाड़ी सीएनजी की है तो सीएनजी गाड़ी में डलवाना बहुत ज़रूरी है। आगे अलवर में या कहीं रास्ते के अंदर सीएनजी नहीं मिलेगी हमें, तो यहीं से हम सीएनजी फुल करवा के आगे बढ़ते हैं। अभी आ गए हैं हम दोस्तों, एक जगह पड़ती है घाटी जिंदौली की, जिसको बोलते हैं जिंदौली, एक जगह का नाम है। वहाँ पे पहाड़ को काट के घाटी बनाई गई है, उस घाटी के पास अभी हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से कुछ दूरी आगे घाटी है, तो घाटी का एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के सेपरेटली डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम तो आगे अलवर आएगा, और अलवर के बाद सरिस्का है। वहाँ से अलवर से कोई 35 किलोमीटर अराउंड वहाँ से दूर पड़ता है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों इस जगह पे सरिस्का फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए जो सफारी मिलती है वहाँ, उसकी टिकट कटती है यहाँ पे, तो इस जगह पे आप वहाँ की टिकट कटा सकते हो। और ये जो अभी गेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पांडुपोल जाने के लिए टिकट कटती हैं गाड़ियों की। एक गाड़ी की टिकट जो है वो 250 रुपये की होती है। उसके बाद अभी हम सरिस्का में एंट्री कर चुके हैं, तो ये एक कच्चा सा रोड है दोस्तों। यहाँ पे ये सरिस्का के अंदर 20 किलोमीटर अंदर पांडुपोल है, वहाँ पे जाके आपको दर्शन करने पड़ते हैं। अभी रास्ते में कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ लंगूर हैं यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हैं, तो रास्ते में चलते हैं और इन्जॉय कीजिए आप वीडियो। दोस्तों ये जो है हनुमान टेम्पल बना हुआ है अंदर सरिस्का के अंदर जब आते हैं, तो मेन जो गेट था जहाँ से टिकट कटाई थी, वहाँ से 20 किलोमीटर अंदर चलने के बाद ये टेम्पल आता है। हनुमान जी का टेम्पल है ये, और ये पांडुपोल से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। यानी कि इस टेम्पल से बाहर निकलने के बाद पैदल का रास्ता है पांडुपोल का, वहाँ जाके पांडुपोल देखना पड़ता है। और ये हनुमान जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और काफ़ी भीड़ लगी रहती है। मेरे हिसाब से आप तकरीबन लगा लीजिए कि कम से कम नहीं तो 5,000 व्हीकल, यानी कि 5,000 फैमिली यहाँ पे डेली आती है रोज़ाना घूमने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्पल है, और ये टेम्पल के साइड का इधर का हिस्सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ संगीतकार बैठे हैं, अपना गाना बजाना करते हैं, भजन वगैरह गाते हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं। और काफ़ी बहुत ही फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रखी है, पानी का है, चाहे बिजली का है या आराम करने का है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और यहाँ पे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ और भी यहाँ पे बनाया हुआ है पूजा पाठ करने का, ये यहाँ पे देखिए आप।
और ये बोर्ड लगाया है, इस बोर्ड पे सब कुछ बताया हुआ है कि ये पांडुपोल जो है कैसे बना था, और यहाँ साइड में कुछ कमरे बने हुए हैं धर्मशाला टाइप के, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और बाकी ये मंदिर के ऊपर का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर का हिस्सा मंदिर का, ये इस तरह से सारा बना हुआ है, काफ़ी शानदार मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। और मंदिर के अगर मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो ये जो है फ्रंट द्वार है, जहाँ से अभी एंट्री की थी हमने, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, करीब 20-25 सीढ़ियाँ होंगी, वो चढ़ने के बाद ऊपर मंदिर बना हुआ है। क्योंकि मंदिर पहाड़ पे है इसलिए यहाँ पे ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, पहाड़ की जो चढ़ाई होती है उसके ऊपर ये टेम्पल है। और इसके आजू बाजू में पार्किंग स्लॉट बनाए हुए हैं, पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ से नीचे उतर के अब हम चलते हैं पांडुपोल की तरफ। तो ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सीन है ये मंदिर के जस्ट सामने है, काफ़ी हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे, खजूर के और काफ़ी पेड़ हैं, और काफ़ी कुछ देखने को यहाँ आपको मिलेगा। बहुत ही नेचुरल नज़ारा है, शानदार नज़ारा है, और एक बार ज़रूर आप जाइए यहाँ पे। अगर वास्तव में रियल फॉरेस्ट अगर आपको देखना है ना, तो सरिस्का एक बार ज़रूर जाइएगा। तो ये मंदिर के बैक साइड का हिस्सा है, इधर से जो है पांडुपोल की तरफ रास्ता जाता है, आप यहाँ से जब भी आएंगे घूमने तो इधर से ही आपको जाना पड़ेगा। और भी बाकी कुछ है रास्ते के अंदर, आप इंजॉय कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल चालू नहीं करेंगे तो मेरा कोई भी वीडियो जब नया अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि वीडियो कब आया, तो आप नोटिफिकेशन बेल को चालू ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।